क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम नीलिमा सलाम है, मैं SSC GD बैच की छात्रा हूँ। अच्छा नीलिमा, ये बताइए कि आप हमारे MCI संस्थान में कितने दिन से ज्वाइन किए हो? सर मुझे MCI ज्वाइन करने के लिए 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने हो गए जी सर। अच्छा, इससे पहले आपकी पढ़ाई जो है, प्रारंभिक जो पढ़ाई है, कहाँ पर हुई है? सर मैं इससे पहले मैं ICS कोचिंग में जाती थी, जो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। नहीं मतलब स्कूल की जो शिक्षा है। सर मैंने पहली दूसरी मैंने गांव से किया सर, तीसरी से मैंने फिर 8वीं तक मैंने हॉस्टल में रही, मैं सलैया हॉस्टल में। उसके बाद मैं 9th से 12th तक मैं घोड़ोंगरी हॉस्टल में रही और वहाँ एक्सेलेंस स्कूल से 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद 12th के बाद मैं GH कॉलेज में मैं एडमिशन लिया है मैंने। इस बार मेरा लास्ट ईयर है BCom। BCom कर रहे हैं? यस सर। अच्छा तो आपका क्या ड्रीम है, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद जैसे अभी वर्तमान में SSC GD की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। तो अभी आपका जो टारगेट होगा कौन से पोस्ट पर है? सर मेरा टारगेट, जैसे मैंने अपने घर पे चाचा को देखा, वो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे बट उनका सिलेक्शन हो नहीं पाया। शायद उनने कुछ कमी बेसी थी या उनने पढ़ाई उतने अच्छे से किया नहीं, बट मुझे उन्हें देख के लगता है कि उनसे ज़्यादा मुझे मेहनत करना है तो मुझे उनसे अच्छी पोस्ट पर जाना है। जैसे मैंने सोचा था कि मेरा ये पहली बार है, मैंने अभी काफ़ी एग्ज़ाम दे दिया और ज़्यादातर मैंने SSC के ही दिए हैं, 2 से 3 बार मैंने GD दिया है। तो मेरा टारगेट है कि मैं PSC टारगेट करूँ। इससे आप इस बारे में मैंने आपसे भी बातचीत किया था। अच्छा तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे टारगेट आपका PSC का होगा ना, इसके लिए आप अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कोचिंग में ना? जी। तो अभी आप यहाँ पर कितने, मतलब कौन से टाइम आपके बैच का जो टाइम है, मतलब कितने घंटे का है? सर हमारा बैच का टाइम सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक है। उसके बाद छुट्टी हो जाती है तो मैं यहीं बैठकर मैं 4 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने जैसे पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज़ें सीखी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में या किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ में या एक मानव जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए क्या क्या चीज़ें सीखी यहाँ पर? सर मैंने यहाँ आकर बहुत सी चीज़ें सीखे। देखा मैंने यहाँ बैतूल में एक ऐसी कोचिंग है जो यहीं प्रेयर होती है, इसके अलावा यहाँ कहीं प्रेयर नहीं होती। और यहाँ रोज़ मोटिवेशन स्पीच भी बोले जाते हैं, सुविचार भी बोले जाते हैं, और जो क्लासरूम है वहाँ पे नितेश सर बहुत मोटिवेट करते हैं। इससे ज़्यादा मैंने आज तक कोई टीचर को इतना मोटिवेट करते नहीं देखा। अच्छा, आज के समय में क्या होता है कि बहुत सारी जो नारी शक्ति यहाँ पढ़ाई छोड़ देती है। जी सर। जैसे क्या होता है कि आप हमारे आदिवासी समाज की बच्ची हो और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आज के समय में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे हैं जी। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि उन्हें पढ़ाई की ओर अग्रसर क्यों होना चाहिए? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि वो जैसे घर पर मम्मी पापा मानते नहीं हैं, वो मतलब डरते हैं बाहर भेजाने से, तो मम्मी पापा को समझाए वो कि मैं सही कर रही हूँ, मुझ पर इतना भरोसा कीजिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ ना कि गलत, और मैं आप आगे जाकर मैं आपका ही नाम रोशन करूँगी, मैं अच्छी पोस्ट पर जाऊँ, और उन्हें इतना समझाना चाहिए और पेरेंट्स से ही मानना चाहिए। कि आज के समय में जो माता पिता लोग हैं जिनके बच्चे शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो माता पिताओं को अपने बच्चों के प्रति क्यों जागरूक होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि कई प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं, तो माता पिता का जागरूक होना क्यों जरूरी है बच्चों के प्रति? सर इसलिए जागरूक है कि आजकल देखा जा रहा तो गर्ल्स के प्रति बहुत अत्याचार हो रहा, कहीं बहुत ये हो रहा, इसलिए माता पिता को डर लगता है कि हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्हें डर इस बात का भी लगता है, इसलिए वो बाहर भी सेपरेटली से कहीं रूम दिलाते हैं, कहीं अच्छे घरों में, अच्छा साथ में जैसे कोई बड़े भाई बहन रहते हैं तो ज़रूरी है कि उनके साथ ज़्यादातर रहते वो लोग। नहीं देखो, जो मेरा क्वेश्चन ये था, देखो माता पिता का जागरूक होना क्यों ज़रूरी है आपने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन जो सही जवाब जो है आपको मालूम होना चाहिए, जिनके माता पिता जागरूक रहते हैं, जिनके बच्चे शहरों में पढ़ते हैं, कौन से संस्थान में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या टाइम है, कहाँ रहते हैं, किसके मकान में रहते हैं जी, किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं जी, है ना, बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र अगर माता पिता रखेंगे तो उनके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। ये आंसर होना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है कि आप पहली बार शायद
अच्छा ये बताइए कि इससे पहले कभी कैमरे के सामने आए आप? नो सर। क्यों नहीं आए कैमरे के सामने? किसी ने लाया नहीं होगा, है ना? यस सर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ध्रुव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जी सर। हर बच्चे को मंच प्रोवाइड करते हैं। पूरा हमारा जो संस्थान है MCI संस्थान है, लगातार प्रयास कर रहा है कि बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुण आना चाहिए और आने वाले समय में अपने घर परिवार समाज का क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, इसलिए हम समय समय पर हर बैच के स्टूडेंट को कैमरे के सामने लाते हैं। तो ये बताइए कि आप जब इन फ्यूचर में जब आप कहीं अच्छे पद में चले जाओगे तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जी, उनके लिए क्या करना चाहोगे? सर उनके लिए मैं ये चाहूँगी, पहली बात कि मैं वहाँ जाकर सभी पेरेंट्स को मैं बोलूँ कि बच्चों को आगे पढ़ाए। जैसे कि गांव स्तर में जाकर देखें तो बहुत कम लोग पढ़ाते अपने बच्चे को या मजदूरी करवाने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें ये बोलना चाहूँगी मैं कि पहले तो अपने बच्चों को शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, ताकि आगे जाकर वो अच्छा काम करें। और मैं जैसे मैं भी गांव से हूँ, मैं भी कोई बड़े शहरों से या बड़े घर घराने से नहीं हूँ, मैं रोज़ अप डाउन करती हूँ। गांव से 20 किलोमीटर है मेरा गांव बैतूल से। तो मैं उन्हें यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैं कर सकती हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसे, तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते। चलो अच्छा विचार है आपका, और आप निरंतर पढ़ाई करो, है ना? अभी वर्तमान में SSC GD का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में इन फ्यूचर में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप PSC की तैयारी करो। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।